अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ आज रेसिपी शेयर करी हूं। ये रेसिपी दो व्लॉग्स में पिछले मैं टूटी वूटी आपके साथ शेयर करती रही हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर रेसिपी इसकी मैं एडिट करके आपके साथ एक साथ शेयर कर देती हूँ तो मैं बना रही थी आज दूध दिलारी तो दूध दुलारी का मैंने मिक्स पैकेट ले लिया है घर पर भी कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी जो है ना आपको मेरे दूसरे चैनल कुकिंग वाले चैनल पर मिलेगी लैलाज किचन में वहाँ पर आप दूध बाय ले किचन लिखें तो आपके सामने वो रेसिपी आ जाएगी जो कि घर में आप हर चीज को इसमें ऐड करके तो ये मिक्सचर बना सकते हैं खैर मैंने दूध लारी का पैकेट ले लिया उसमें एक जेली का पैकेट निकलता है और एक निकलता है दूध लारी के मिक्सचर का तो उसमें हर चीज ऐड होती है आपने एक लीटर दूध लेना है उसमें वो सारा डाल देना उसको पकाना है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था पकाने के बाद क्योंकि दस पंद्रह मिनट कंटिन्यू मैं इसको पकाई थी और इसमें सेवैयाँ हर चीज़ कुक को कोगी लेकिन ये गाढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब सा का लगा हालांकि उसमें ये चीज होनी चाहिए कि वो कम से कम दूध को, को गाढ़ा उस मिक्सर को गाढ़ा तो करे ना फिर मेरे पास वनीला वनीला का कस्टर्ड पड़ा हुआ था तो वो मैंने ले लिया दो चम्मच वो लिया मैंने उसको पानी में मिक्स करके वो इसमें ऐड किए तब जाके ये थोड़ा गाढ़ा हुआ क्योंकि दूध दलारी का हमने मिक्सर बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करा लेकिन ये कि थोड़ा थिक होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी कस्टर्ड वाली फॉर्म में होता है तो बहुत वो थिक वाला कस्टर्ड भी नहीं बनाना जिस तरह से होता है लेकिन ये कि वो होना थिक च चाहिए ये अब देखें अब ये बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो गया था इसको मैंने निकाल के रख दिया जब जो जो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना तब मजीद अच्छा हो जाएगा तो जेली का पैकेट जो है ना मैंने एक रिफान का बना के रखा था एक जो उसमें से निकला था वो बना के रखा था एक मैंगो फ्लेवर में था एक ऑरेंज फ्लेवर में था तो दोनों मैंने बना के रख दिए वो ठंडे होने के लिए सेट हो जाएंगे फ्रीज़र में और यहाँ पर ये मिक्सर अब हो गया है ठंडा और ठंडा होने के बाद ये देखिए अच्छा खासा ये गाढ़ा हो गया तो इतनी इसकी थिकनेस चाहिए अब मैंने इसमें एक कप जो है ना डाल दिया घर की क्रीम का उसको मैंने बीट कर लिया था थोड़ा स्मूथ कर लिया था उसके बाद आधा कप मैंने इसमें की क्रीम का ऐड किया है आप खाली ऑर्परस की क्रीम की ऐड कर सकते ले। लेकिन थे लेकिन मेरे पास घर की पड़ी हुई थी मैंने वो भी ऐड कर दी साथ में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए साथ में इसमें कॉकटेल ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जेली और अच्छी खासी क्वान्टिटी में आपने जेली ऐड करनी है पहले मैंने ये मैंगली ऐड की बाद में मैं ऑरेंज वाली भी इसमें ऐड कर दूंगी तो दूसरी बार जो है ना इतनी खास सेट नहीं हुई थी लेकिन ये अच्छी सेट हो गई थी तो चले खैर जैसी भी थी मैंने बना दी उसमें डाल दी, अब ये, ये थी ऐड नहीं की चमचम -चम इसमें डाले वो बहुत मज़ेदार लगती है खैर अब मैंने नीचे जेली की लेयर लगा दी है ऊपर मैंने डाल दिया है सारा मिक्सचर ऊपर से इस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे जेली कॉकटिलो ड्राई फ्रूट्स के साथ अब जिस तरह चाहे मैं इसको डिश में सर्व करें और फिर इसको फुली चिल्ड होने के लिए आपने रख देना है फ्रीज़र में जब अच्छे से ठंडा हो जाए ना बर्फ़ नहीं इसमें जमानी है आपने बस ठंडा करना है अच्छे से फिर आप चाहे इसको फ्रिज में रख दें और फिर ये आप इसको सर्व करें मेहमानों के सामने ये बहुत मज़ेदार बनती है बहुत टेस्टी होती है बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है इसका खाने में बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता आपने इसमें अलग से मीठा ऐड भी नहीं करना है जो आपका मीठा इसमें होगा इसमें दूध दुलारी के पैकेट में जस्ट वही रहने देना है उसके बाद जब आप इसमें क्रीम डाल देना फिर वो इतना बैलेंस हो जाता है ना मीठा इतना मज़ेदार हो जाता है तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं बाय बाय मिलते एक नई वीडियो के साथ